हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय। टुडे इज 36th लेक्चर फ्रॉम आवर सीरीज, और आई होप आप लोगों ने पुराने सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे। जिस बच्चे ने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वहां से जाके आप लोग जो है देख सकते हैं। गूगल पर स्टडी मास्टर ऑफिशियल सर्च कर लीजिए, या फिर इंस्टा मोजो स्टडी मास्टर सर्च कर लीजिए। आपको जो है हमारे ऑफिशियल पेजेस पे आप चले जाएंगे, और वहाँ पर जो भी आपको चीज डाउनलोड करनी हो, आप लोग वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, बच्चे इसमें भी विजिट करते रहते हैं। वहाँ पर आपको क्वेश्चंस और बहुत सारी चीजें हैं फ्री में, जो है पीडीएफ्स और अलग अलग तरह के नोट्स यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप लोग जो विजिट कर सकते हैं। ये हमारी पेड पीडीएफ का एक पार्ट है, तो अगर आपको करंट अफेयर से संबंधित सारी पीडीएफ परचेज करनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर आप डायरेक्ट व्हाट्सअप करके भी ये जो है पेड पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द शेफ डे मिशन ऑफ इंडियाज कंटिजेंट फॉर द अपकमिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स इन बीजिंग। तो बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारत के दल के शेफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हरजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू हैव 100% वैक्सीनेशन। तो किस राज्य को, किस यूनियन टेरिटरी को या केंद्र शासित प्रदेश को 100% टीकाकरण किया गया है? अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नासा हैज रिलीज द साउंड रिकॉर्डेड बाय जूनो मिशन नियर विच प्लैनेट्स मून गैनीमेड। तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर से भी है, अगर आपने स्टैटिक जी के ध्यान से पढ़ी हुई है, जैसा कि मैं आपको पढ़ाता हूँ पॉइंट टू पॉइंट, एक एक चीज आपको मैं पढ़ाता हूँ। अगर आपने उस तरह से जीके पढ़ी हुई, तो ज्योग्राफी से संबंधित ये क्वेश्चन है। अगर आपको पता है कि जो गैनीमेड है, ये किसका मून है, किसका उपग्रह है? ये जुपिटर का उपग्रह, जिसको कि बृहस्पति कहते हैं। तो बृहस्पति की ही आवाज होगी जो गैनीमेड के नियर, गैनीमेड ने रिकॉर्ड किया है, जो आवाज रिकॉर्ड किया है नासा ने जूनो मिशन के तहत। नासा का मिशन है कौन सा? जूनो मिशन। इसके तहत इन्होंने क्या किया, एक ध्वनि को रिकॉर्ड किया है, जो कि गैनीमेड के पास से जारी की गई है। तो ये किसका जो है, किसका मून है ये? तो ये बृहस्पति का चांद है। ठीक। विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द प्रधानमंत्री जनधन योजना लिस्ट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ बैंक अकाउंट। तो सबसे अधिक बैंक खातों के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बहुत सारे, सबसे ज्यादा खाते खोले गए हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए। विच बैंक साइंड ए को लेंडिंग एग्रीमेंट विद यूग्रो कैपिटल। यूग्रो कैपिटल एक कंपनी है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 के अंदर। और अभी क्या क्वेश्चन है, किस बैंक ने यूग्रो कैपिटल के साथ सह उधार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जो है हस्ताक्षर किए हैं, और 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको पता है, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। चलिए ये बता दीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? हालांकि ये सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, और मैं बार बार आपको नहीं करवाता, क्योंकि आपको पता है और मुझे भी पता है, टाइम आपके पास थोड़ा है। ठीक है, आपको ये पूरे लेक्चर से एक तो कवर करवाने हैं, काम की चीजें वो सारी करवानी है। ये लेक्चर सीरीज खत्म हो जाएगी, उसके बाद अगर आपके पास 5 या 7 दिन बचेंगे ना, उसमें और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है वो मैं सारा आपको करवा दूंगा, ताकि एग्जाम से संबंधित आपकी कोई भी चीज रहे ना, मैं आपको सारी कवर करवा दूंगा। और अगर मैं यही चीजें बार बार बताता रहूँ, जैसे वर्ल्ड बैंक के बारे में मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूँ, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस क्या था, ब्रेटन वुड ट्विंस क्या है, वर्ल्ड बैंक का काम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना, क्या काम है, किस एक्ट के तहत इसकी जो है स्थापना हुई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर कब हुआ, अलग अलग कब हुए, कौन कौन से बैंक इसमें शामिल किए गए हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो आपने अगर पहले 35 लेक्चर्स नहीं देखे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, उस पर जाके आप लोग जो सारे लेक्चर देख सकते हैं। सारा टाइम आपका 5 6 6 घंटे लगेगा, आप सारे लेक्चर्स जो है पुराने लेक्चर्स देख पाएंगे। आई होप आपने देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे तो देख लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम आए चैनल पर, तो आप वो सारे लेक्चर्स देख लीजिए, आपके सारे करंट अफेयर पिछले 1 साल के करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। इंडोनेशिया हैज डिसाइडेड टू चेंज इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू विच न्यू कैपिटल सिटी। तो भाई इन्होंने भी नुसंतारा को अपना नया कैपिटल बनाने की घोषणा की है इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रिपोर्ट टाइटल्ड बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन इंडिया, रिपोर्ट का नाम याद रखना, बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है, जारी किया है इन कोलेबोरेशन विद रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट? तो ये भी आ सकता है कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, लेकिन ये किसके साथ जो है कोलेबोरेशन में किया है? तो नीति आयोग प्लस रॉकी माउंटेन्स इंस्टीट्यूट, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने मिलके बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया एक रिपोर्ट जारी की है। सिंपल क्वेश्चन है, इसरो टेस्टेड विच इंजन टू बी यूज्ड फॉर इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन कैरी रॉकेट अंडर द गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन? तो इसरो ने परीक्षण किया कि गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के तहत भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट के लिए किस इंजन का उपयोग किया जाएगा? विकास इंजन का। विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस हैज बीन स्वॉर्न इन फॉर ए सेकेंड स्ट्रेट टर्म इन ऑफिस इन जनवरी 2022? तो बारबाडोस के किस प्रधानमंत्री ने जनवरी 2022 में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? तो किसने ली है? सिंपल सा क्वेश्चन है, मिया मोटली। क्या नाम है? मिया मोटली। और बारबाडोस की कैपिटल क्या है? ब्रिज ब्रिज टाउन। क्या है? ब्रिज टाउन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स फाइनल ब्लास्ट कंक्लूडिंग ऑल एक्सकवेशन ऑन सेला टनल प्रोजेक्ट, वेयर इज सेला टनल? तो सीमा सड़क संगठन सेला सुरंग परियोजना पर सभी उत्खनन का समापन करते हुए अंतिम विस्फोट करता है, तो सेला सुरंग कहाँ है? तो सेला सुरंग के बारे में पूछा जाएगा। ये परियोजना कहाँ पर चल रही है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और एक और डाउट था स्टूडेंट्स का कि सर जैसे कि हमें क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है आपका, तो जैसे सर हमारी साइंस वीक है, तो क्या सर हमें साइंस का ओनली साइंस का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा? तो हाँ बच्चों, अभी हमने आपकी ईज के लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कर दिया कि किसी को अगर पॉलिटी की नीड है तो वो पॉलिटी का क्वेश्चन बैंक ले सकता है, अगर किसी को इकोनॉमी की नीड है, किसी की इकोनॉमी वीक है तो इकोनॉमी का क्वेश्चन बैंक ले सकता है, कोई बच्चा हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक लेना चाहे, कोई बच्चा ज्योग्राफी का क्वेश्चन बैंक लेना चाहे, साइंस का क्वेश्चन बैंक लेना चाहे, तो जो आपकी वीक सब्जेक्ट है जिसका भी आप क्वेश्चन बैंक लेना चाहे आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द, और इसके लिए आप लोग व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और ये बाकी सारी चीज आपको पहले से पता है कि टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, शॉर्ट नोट्स जो है लास्ट टाइम रिविजन के लिए अवेलेबल है आपके लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू वीक लॉन्ग कमेमोरेशन बिफोर द नेशनल साइंस डे? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, पहले तो ये बताओ कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया कब जाता है? बहुत बार बता दिया, अब आपकी बारी, मुझे बताओ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से पहले सप्ताह भर चलने वाले नए स्मरणोत्सव का क्या नाम है? विज्ञान सर्वत पूज्यते, विज्ञान सर्वत पूज्यते। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड पर्पल रेवोल्यूशन इन जम्मू कश्मीर, इट इज एसोसिएटेड विद द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप? तो सबसे पहले पर्पल रेवोल्यूशन है, बैंगनी क्रांति है, इसकी शुरुआत कहां पर की गई? जम्मू कश्मीर में। और ये किस फसल से संबंधित है? लेवेंडर की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द क्लोज ऑफ इट्स टायर वन इन्वेस्टर वीजा आल्सो नोन एज गोल्डन वीजा? तो किस देश ने अपने टियर वन निवेशक वीजा को बंद करने की घोषणा की है, जिसे गोल्डन वीजा भी कहा जाता है? तो यूनाइटेड किंगडम ने गोल्डन वीजा को बंद करने की घोषणा की है। व्हाट वाज द केपीएसी ललिता मेडन नेम? तो केपीएसी ललिता का पहला नाम क्या है? उनका नाम, पहला नाम पूछा गया यहाँ पर, क्या नाम है उनका? महेश्वरी अम्मा, महेश्वरी अम्मा केपीएसी ललिता। अब ये है कौन? ये एक मलयालम एक्टर है, एक्ट्रेस है, ये मलयालम एक्ट्रेस है। और ये जो केपीएसी ललिता नाम है ये इनका स्टेज नेम है, स्टेज नेम। विच नेशन विल होस्ट द एयर एक्सरसाइज कॉल्ड कोबरा वॉरियर? तो कोबरा वॉरियर जो है अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड किंगडम, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द विनर ऑफ द 22 प्रिट्जर आर्किटेक्चरल प्राइज, 2022 के प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार के विजेता का नाम बताएं? यहाँ पर चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं, क्या नाम है? डाइबो फ्रांसिस केरे, डाइबो डाइबेडो फ्रांसिस केरेस। एन बीरेन सिंह हैज टेकन द ओथ एज द सीएम ऑफ विच स्टेट फॉर द सेकेंड टर्म? एन बीरेन सिंह किस राज्य के सीएम थे? मणिपुर के, फिर से वो मणिपुर के सीएम चुने गए हैं, अब उन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रोल्ड आउट यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट फंक्शनली? निम्नलिखित में से किसने यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट कार्यक्षमता शुरू की है?
किसके द्वारा शुरुआत की गई है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2008 के अंदर। मार्च 23rd इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज मार्टियर्स डे टू कमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन फ्रीडम फाइटर? तो भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, तो ये तीनों के नाम लिखे हुए, तो राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। तो 23 मार्च को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रिवाइज ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2022 हैज बीन प्रोजेक्टेड एट व्हाट परसेंट बाय फिच रेटिंग्स इन मार्च 2022 आउटलुक? तो राइट आंसर क्या है? 8.7% जीडीपी ग्रोथ रेट थी फाइनेंशियल ईयर 2022 के अकॉर्डिंग। किसके द्वारा दी गई है? फिच रेटिंग्स के द्वारा, मार्च 2022 आउटलुक में ये जारी की गई है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की तो जरूर ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज आपको बहुत फायदा है। और कुछ बच्चों ने सब्जेक्ट पढ़ लिए लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा, जैसे कि बच्चों ने हिस्ट्री पढ़ ली, सर हिस्ट्री के हमें फैक्ट याद नहीं रहे, तो आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। चैप्टर वाइज दिया हुआ आपके, आपको चैप्टर वाइज सारी आपका सिलेबस कवर करवाया गया, चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आप चैप्टर वाइज कर सकते हैं क्वेश्चन सारे, ताकि उससे आपको सारे फैक्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं HCS, HSSC ऐसे जो है छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं, इसके अंदर क्या है, फैक्ट डायरेक्ट आ जाते हैं। और HCS के अंदर भी कई बार फैक्ट पूछ देता है, और चांसेस रहते हैं कि कई बार लंबा क्वेश्चन हो, स्टेटमेंट बेस्ड हो, अदरवाइज वो डायरेक्ट फैक्ट ही पूछता है आपसे, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है, और कोई डाउट हो तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेक कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।